दोस्तों CDSL के ऊपर एक और ये वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 1086 रुपीज़ के ऊपर क्या CDSL महंगा है, क्या इसमें ग्रोथ पोटेंशियल है, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए। मैंने 1000 के नीचे भी स्टॉक के बारे में डिस्कस किया था, अभी 1000 क्रॉस कर चुका है। और अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा था तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, आपको वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से जाकर आप चेक कर पाएंगे। तो आज ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, लोग डर रहे हैं। कहाँ पर डर रहे हैं सर? CDSL के स्टॉक में निवेश करने से डर रहे हैं। एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मेरे निजी पोर्टफोलियो में भी ये स्टॉक है और मैं यहाँ पर लॉन्ग टर्म से ही बना हुआ हूँ। जब से अगर आप देखें गिरावट आई थी, उससे पहले से मैंने यहाँ पर ख़रीदारी शुरू कर दिया था और देखे तो मैंने हर उस प्राइस के अंदर लगभग एवरेज थोड़ा बहुत किया हुआ है। तो मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए ही फोकस में रखा हुआ हूँ। तो सर मैं आपको बताना चाहूँगा 1086 रुपये के ऊपर CDSL का स्टॉक आपको क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए और जुड़े रहिए नो अबाउट इन्वेस्टमेंट चैनल के साथ। इस चैनल के ऊपर आपको डेली बेसिस के ऊपर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको कहाँ पर निवेश करने से आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है उसके ऊपर भी हम लोग ज़रूर से बातचीत करते रहते हैं। और यहां पर एक और डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको जो भी स्टॉक के बारे में बताया जाता है, उस स्टॉक में निवेश या पोजीशन लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह या फिर अपना रिसर्च जरूर से कीजिए, डिसीजन आपका खुद का होना चाहिए। तो सर 1086 रुपए के ऊपर CDSL का स्टॉक बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव अभी भी है, उसके ऊपर अगर आप देखें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। तो उससे पहले आपको दो तीन चीज़ें और देखना होगा सर। अगर आप देखें लिस्टिंग के बाद से 2017 में स्टॉक लिस्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक देखें 315% का रिटर्न आपको दे दिया है। 4 साल में पैसे को 3 गुना से ज़्यादा कर दिखाया है CDSL के स्टॉक ने। लोग इस वजह से डर रहे हैं कि कभी भी इस स्टॉक में गिरावट आ सकती है और भयानक गिरावट आ सकती है, लोग ये सोच रहे हैं। बहुत से लोग हैं जिन जो नहीं सोच रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन सर ऐसे बहुत से लोग हैं जो अभी भी सोच रहे हैं कि स्टॉक में अभी भी, जो कि CDSL का स्टॉक है, इसमें अभी भी गिरावट आ सकती है। तो क्यों गिरावट आ सकती है तो वो लोग वो तो जानते हैं, लेकिन सर मैं आपको बस यही बताना चाहूँगा कि यहाँ पर तेज़ी क्यों आ सकती है, ये आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो सर अगर आप देखें जी बिज़नेस के ऊपर एक आर्टिकल यहाँ पर आपको आता हुआ देखिएगा, आप चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। CDSL सरप्राइज डिपॉजिटरी ओपन्स रिकॉर्ड 4 करोड़ डीमैट अकाउंट्स एड्स 1 करोड़ इन जस्ट 6 months, अनिल सिंघवी सेज बुलिस ऑन एक्सचेंजेस डिपॉजिटरी एंड BFSI। तो सर 10 जुलाई 2021 को ये आर्टिकल आपको आता हुआ दिखेगा 3:48 को। तो सर यहाँ पर देखेंगे तो 4 करोड़ से ज़्यादा के डीमैट अकाउंट CDSL ने ओपन कर लिए हैं और 1 करोड़ डीमैट अकाउंट तो हाल ही में 6 महीने के अंदर ही CDSL ने अचीव कर लिया है। ये तो हो गया पहला बात। उसके बाद देखेंगे सर CDSL का ये भी कहना है, CDSL said that it has seen retail investor participation almost doubling in द लास्ट 1 ईयर। यानी कि सर देखेंगे गिरावट के बाद से मार्केट में जब क्रैश आया था, जब भयंकर गिरावट आई थी सर, उस गिरावट के बाद से देखेंगे जो इंडिया के अंदर रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन था स्टॉक मार्केट के अंदर, वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 1 साल के अंदर अंदर। तो सर बहुत ही तगड़ा ये एक इंडिकेटर है अगर आप देखेंगे CDSL के लिए कि भाई स्टॉक में जान है, दम है, ये स्टॉक आपको अभी भी मल्टीपल रिटर्न देकर जा सकता है, ये प्राइस तो कुछ भी नहीं है। CDSL becomes first depository to open 4 crore डीमैट अकाउंट। सर देखिए इंडिया के अंदर एक और डिपॉजिटरी है जिसको आप NSDL के नाम से जानते हो, लेकिन CDSL पहला डिपॉजिटरी है जिसने 4 करोड़ डीमैट अकाउंट खोलने का जो किया है सर, पहला डिपॉजिटरी है। तो ये तो एक किताब इसको मिल ही चुका है 4 करोड़ डीमैट अकाउंट खोलने का। लेकिन सर जो आपने यहाँ पर ये जो लाइन आपने देखा कि CDSL का कहना है कि रिटेल इन्वेस्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो डबल हो चुका है सर, तो मैं यहाँ पर आपको यही सिखाऊंगा या फिर यही बताने की कोशिश करूंगा कि सर एक बार अगर आप देखेंगे रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में
आते रहे आते रहे या आते रहे, तब से देखेंगे आप CDSL का स्टॉक कहाँ से कहाँ पहुँचता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि रिटेल इन्वेस्टर के पास लगभग लगभग, मैं आपको कोई मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यही पैसा है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा एक एग्जांपल के थ्रू। अगर आप देखेंगे कि सर बैंक में जो FD करते हैं ना सर, अगर आप देखेंगे वो ज़्यादातर रिटेल निवेशक ही करते हैं, यानी कि देखिए सर छोटे मोटे लोग ही करते हैं बैंक में ज़्यादातर FD वगैरह करते हैं। तो सर उसकी अगर आप देखेंगे अमाउंट जो हो चुका है सर 150 ट्रिलियन, यानी कि सर आपको मैं यहाँ पर एक और चीज़ समझाना चाहूँगा, 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू 1 लाख करोड़। तो सर आप देख पाएंगे 150 लाख करोड़ का FD बैंक में, इंडिया के बैंक में है। तो सर ये पैसा अगर आप देखेंगे ज़्यादातर ज़्यादातर जो पैसा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का है, रिटेल इन्वेस्टर्स का है। और सर हम मार्केट में देखेंगे तो सर ये अगर आप देखेंगे 4 करोड़ डीमैट अकाउंट ओपन किए हैं CDSL ने, और तीन चार करोड़ अगर आप देखेंगे मतलब 10 करोड़ के आसपास, मतलब सर 8 करोड़ के आसपास के डीमैट अकाउंट है। और इंडिया की पॉपुलेशन की बात करें सर वो तो क्या ही कहना। तो सर उसका अगर आप देखेंगे 25 से लेकर 35% भी लोग अगर स्टॉक मार्केट में आ गए हैं ना सर, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कितना ज्यादा तेजी CDSL के स्टॉक के ऊपर आपको देखने को मिल सकती है। ये तो सिर्फ 4 करोड़ के ऊपर बातचीत कर रहे हैं सर, लेकिन मैं आपको कहना यही चाहूंगा इस 150 ट्रिलियन का जो डिपॉजिट है बैंक के अंदर सर, इसके अंदर भी अगर आप देखेंगे लोगों ने जो पैसा रखा हुआ है इसके ऊपर उनको ब्याज कितने परसेंट का मिलता है सर, अगर आप देखेंगे 5% का ब्याज। इस 5% के ब्याज के चलते अगर आप देखेंगे 150 ट्रिलियन कि FDs बैंक में अभी है। और सर देखेंगे लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं कि हमको तो मार्केट में आना है, यानी कि स्टॉक मार्केट में आना है। यहाँ से अगर आप देखेंगे पैसा जो कि है वही इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है, अदरवाइज देखेंगे तो इन्फ्लेशन को बीट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। वो अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट की तरफ रुचि जो रिटेल इन्वेस्टर्स का है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है सर। और ये माइलस्टोन अगर आप देखेंगे स्टॉक मार्केट में आपको धीरे धीरे ये भी बढ़ता हुआ नजर आएगा, रिटेल इन्वेस्टर आपको बढ़ते जाएंगे। और तब सर देखेंगे तब ये स्टॉक जो आपको 1086 के ऊपर लेने में डर लग रहा है सर, आपको मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सर आप इसको ही लेंगे, लेकिन सर आप कभी ना कभी स्टॉक को भी आप 10,000 के ऊपर जाते हुए देखेंगे, 10,000 के ऊपर जाते हुए आप CDSL के स्टॉक को देखेंगे अगर स्प्लिट वगैरह नहीं करती है सर। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा अगर आपके पास पैसा है उसको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, बेहतरीन शानदार कंपनी है, आप इसमें निवेश कर सकते हैं। हाँ, गिरावट तो सर हर कंपनी में कभी भी आ सकता है सर, लेकिन अगर आप उस गिरावट के डर के चलते मार्केट में एंट्री ही नहीं करेंगे सर, तो मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, आप सर सोचते रह जाएंगे कि मैंने क्यों निवेश नहीं किया। तो मैं आपको कहना यही चाहूँगा SIP मोड, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इस मोड में आप CDSL के स्टॉक को 25 सालों के लिए खरीदते जाइए सर। यकीन मानिए आप इतना पैसा बना लेंगे 25 साल जो अपने हिसाब से आप सर 5 साल 10 साल 15 साल आप अपने टाइम इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन के हिसाब से आप यहाँ पर SIP मोड में खरीदारी करते जाइए। मैं ये तो आपको ज़रूर से कहूँगा कि ये स्टॉक आपको जो कि है सर मैजिक रिटर्न देकर जाएगा सर, मैजिक रिटर्न किसको कहते हैं जानते हैं सर, मैजिक रिटर्न आपको जिस बात के बारे में आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, जिस बात के ऊपर आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा रिटर्न देकर जा सकता है ये स्टॉक। ये प्राइस तो कुछ भी नहीं है सर, ये प्राइस तो कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि एक तरफा ये तेजी जो की है चलती जाएगी, नहीं सर, कभी बीच में हो सकता है आपको गिरावट देखने को मिले, कभी भयंकर गिरावट देखने को मिले स्टॉक में, लेकिन उस टाइम में आपको डरना नहीं है, उस टाइम में आपको इस स्टॉक को लेना है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। मैंने आपको बस यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश किया है कि सर लॉन्ग टर्म के लिए CDSL के स्टॉक के ऊपर क्या कुछ ट्रिगर्स है जिसके चलते स्टॉक ऊपर जा सकता है, बाकी आप अपने हिसाब से डिसीजन लीजिएगा। मैं आपको कोई नहीं होता बोलने वाला कि आपको CDSL का स्टॉक ही लेना है, आप कोई अदर स्टॉक भी ले सकते हैं, लेकिन
क्या कुछ ट्रिगर्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। बाकी आपके स्टॉक के ऊपर दुआ मतलब कोई और वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए, मैं उसके ऊपर भी बताऊंगा। और मैं आपको आपसे हाथ जोड़कर आप सभी लोगों से विनती करना चाहूंगा, वीडियो अगर अच्छे नहीं लगते हैं तो सर डिसलाइक कीजिए, गाली वगैरह कृपया करके मत दीजिए। सर आप गाली देने में जो टाइम वेस्ट करते हैं सर उसके अंदर देखेंगे सर, अगर आप किसी कंपनी के बारे में गूगल में सर्च करेंगे तो सर आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सर कृपया करके गाली वगैरह मत दीजिए, मतलब आपसे हाथ जोड़कर माफ़ी मतलब आपसे विनती करता हूँ सर, ये मतलब मत कीजिए सर। तो बाकी आप और कौन से स्टॉक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो भी आप कमेंट कीजिए। और सर कल ही मैंने HDFC लाइफ के ऊपर वीडियो बनाया था, वेट कीजिए स्टॉक आज नहीं चला, स्टॉक आज नहीं चला लेकिन सर 5-10 दिन वेट कर लीजिए, स्टॉक में कभी भी ब्रेकआउट आ सकता है सर, वेट कीजिए, ब्रेकआउट के लिए स्टॉक तैयार हो चुका है सर। लॉन्च नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं आया वो अलग बात है सर, लेकिन ब्रेकआउट बहुत जल्द होगा, बड़ा ब्रेकआउट होगा, ये जितना सर मुझको समझ में आ रहा है सर। बाकी हो सकता है आप मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े एनालिस्ट हैं, वीडियो देख रहे हैं बहुत ही अच्छा है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।